सारांश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इसमें एक ऐसे विषय की चर्चा कर रहे हैं जिससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान बड़े सरल तरीके से हो जाएगा। हम लोग विशेष कामनाओं के लिए किसी विशिष्ट देवता की पूजा उपासना या आराधना करते हैं, लेकिन जब आप मंत्र शास्त्र को लेते हैं, जब आप उपासना की पद्धतियों को देखते हैं, तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि एक ही देवता की उपासना करके आप उसके द्वारा वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे भगवान शिव की आराधना से आपको ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है, भगवान शिव की आराधना से आपको आयु की भी प्राप्ति हो सकती है, भगवान शिव की आराधना से आपकी रोग मुक्ति हो सकती है, भगवान शिव की आराधना से आपके जीवन में ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, भगवान शिव की उपासना या उनके मंत्रों का जप करने से आप उच्च पदों को भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव के एक विशिष्ट मंत्र के द्वारा और उनकी उपासना करके आप शत्रु का नाश भी कर सकते हैं। दिक्कत है उसको समझने की, और उसको समझने का बड़ा सीधा सीधा अर्थ है कि आप उस मंत्र का जप करते समय संकल्प को कौन सी दिशा देते हैं। अर्थात जब आप संकल्प करें उस मंत्र के जप का, तो आप अपनी उस भावना को, आप अपनी उस कामना को उस संकल्प के अंदर डालें। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आप धनुष के ऊपर जब तीर को चढ़ाते हैं तो वो तीर किस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह से जो उपासना, जिस मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, उसके द्वारा कौन सी वस्तु, कौन सी स्थिति को आप प्राप्त करेंगे, ये आपके संकल्प के ऊपर आधारित है, एक बात। और दूसरी बात और भी है कि बहुत बड़े बड़े मंत्रों के जप से आप स्वयं को बचाइए। उसका कारण है कि मंत्रों का जप यदि अशुद्ध किया जाए तो वो कभी कभी अनर्थ का भी कारण हो सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने एक बड़ा सहज और सरल मार्ग दिया, वो है बीज मंत्रों का जप। बीज मंत्र का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी वृक्ष को कहीं से लेकर आना एक बात है, उसको लाने में परेशानी है, वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी बीज को किसी जगह पर डालते हैं और उसकी सही तरह से आप देखभाल करते हैं तो वो विशाल वृक्ष के रूप में स्वाभाविक रूप से आपके समक्ष खड़ा हो जाता है। आइए कुछ बीज मंत्रों की चर्चा हम आपके समक्ष करते हैं। जैसे आमतौर पे आयु की वृद्धि के लिए हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। ये महामृत्युंजय मंत्र छोटा नहीं है, इसके पूर्व और इसके आखिर में भी बीज मंत्रों का प्रयोग होता है। प्रत्येक व्यक्ति इसकी साधना नहीं कर सकता यदि उसको अभ्यास नहीं है तो, लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो उसका बड़ा एक सीधा सा उपाय है कि आप ओम ओम जूम सब इस मंत्र का जप करें। ये वही लाभ देगा जो कि महामृत्युंजय मंत्र ओम ओम जूम सह भूर भुव स्व त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षीय मामृतात् ओम भूर भुव स्वरों जूम सह ओम। आपने देखा दूसरा मंत्र कितना बड़ा है और जो इसका बीज मंत्र है वो केवल थोड़े से शब्दों को मिलकर बना है। इसी तरह से श्री कृष्ण का बीज मंत्र है क्रीम,
इसी तरह से महाकाली का बीज मंत्र है क्लीन, राम का बीज मंत्र है रांग, हनुमान जी का बीज मंत्र है हंग। अब इन बीज मंत्रों का प्रयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और मुझे लगता है कि जो लोग उपासना के साथ जुड़े हुए हैं वो उस बीज मंत्र की को तो बड़ी भरी प्रकार से जानते होंगे जिसको माँ का बीज मंत्र बोलते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये वीचे। और ओम ह्रीं इसको हमारे यहाँ देवी प्रणव माना गया है। देवी प्रणव का अर्थ है कि जिस प्रकार ओम शब्द के जप करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार अगर कोई माँ का भक्त ओम ह्रीं इस मंत्र का जप करता है तो वो अपनी माँ का अर्थात उस जगत जननी महाशक्ति का दर्शन कर सकता है, उसका अनुभव कर सकता है और उनके द्वारा समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।